एवरीवन, दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और हम भी बिल्कुल ठीक है। सो गाइज, एक बार दोबारा व्लॉग लेके हम आ गए। और आज का व्लॉग ये है, बर्थडे सेलिब्रेशन किसका है, क्या है, ये वहाँ जाके पता नहीं करेंगे, वहाँ जाके मैं आपको बताऊंगी। और फिलहाल मैं और मम्मी हो चुके हैं हम रेडी। हम सब जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन। इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा। बर्थडे सेलिब्रेशन घर पर नहीं है, बाहर है। सो चलिए गाइस, चलते हैं और करते हैं व्लॉग कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, हमारी आंटी का है बर्थडे। सबसे पहले करेंगे हम केक कट, उसके बाद हम ढेर सारा सेलिब्रेशन करेंगे। चलो पकड़ाओ, जाओ 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 जाओ। सो गाइस, केक कट हो गया, लेकिन फाइनली वो टाइम आ गया जिसका हम सबको बहुत ज्यादा वेट है, और वो है खाने का। ठीक है, अब खाने की बारी आती है, अब पेट पूजा का टाइम है। तो सबसे पहले केक सबने टेस्ट किया। आफ्टर दैट मेन्यू में सबसे पहले डिसाइड हुआ था पिज़्ज़ा। तो अपने अपने हिसाब से सबने ऑर्डर दिया, और मैंने ऑर्डर दिया था कैप्सिकम पिज़्ज़ा, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है विद कॉक। और सब खा रहे हैं इस टाइम सबसे पहले पिज़्ज़ा। नेक्स्ट जो है हमारे मेन्यू में, आज का बर्थडे सेलिब्रेशन मेन्यू में सेकेंड चीज़ है रैप। सो वेज रैप हमने ऑर्डर किया है। सो ये देखिए, हाफ रैप, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है पूरा पिज़्ज़ा खाने के बाद। सो रैप के बाद और भी बहुत कुछ है, कुछ नहीं बहुत कुछ है। और एक ही है और गाइस, आगे जो है ये है रेड सॉस पास्ता। यही डिसाइड हुआ था, रेड सॉस पास्ता। और मैं सबकी वीडियो बना रही हूँ, तो इस टाइम भाभी मेरी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद की वीडियो बनाने का बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता। मैं दूसरों की बनाते बनाते खुद के बनाना ये व्लॉग मैं भूल ही जाती हूँ। सो गाइस, अभी काफ़ी कुछ हमने खा लिया, और आगे खूब सारा एंजॉय होगा। अभी डांस अभी बाकी है। केक कट किया, खूब खाया, खूब मस्ती हमने की, बातें हमने की, लेकिन डांस अभी बाकी है। सो आगे वो भी है, व्लॉग के साथ बने रहिए। तारे आंदे नाल गल्लां करदा रहिंदा ए, इक तेरे पिछे दिल साडा मरदा रहिंदा ए। तारे आंदे नाल गल्लां करदा रहिंदा ए, इक तेरे पिछे दिल साडा मरदा रहिंदा ए। इक तू ही साडा पूरती ना पख अलड़े मेरी लगदी ना,
लगती ना चुके हैं घर पे और इस टाइम हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं सब। हमने खूब सारा मतलब मज़ा किया और बर्थडे हमारी आंटी का था और तैयारी हमने की, हम इसे सरप्राइज़ कह सकते हैं। हमारे ग्रुप में ऐसा ही होता है, जिसका बर्थडे होता है उसको कुछ पता ही नहीं होता, तैयारियाँ चल रही होती हैं। सो हमने अपना बेस्ट किया और होप सो कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और शाम के 6 बज चुके हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, कम से कम 3 घंटे वहाँ पे लग गए और खूब सारी हमने बातें की, केक कट किया, ढेर सारा हमने खाया। मुझे लगता है शायद उसकी थकावट सबसे ज़्यादा है। सो यस गाइस, सो होप सो कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और जल्दी हम आते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, खूब सारा प्यार दो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और जल्दी हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।